हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेमेडीज चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी जिससे आप अपने स्किन से ब्लैक हेड्स को रिमूव कर सकते हैं। तो जैसे आजकल के टाइम में पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, या फिर ऑयली खाना खाने से, या जिनकी ऑयली स्किन है तो उस वजह से हमारी स्किन पर ब्लैक हेड्स हो जाते हैं जो बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। तो उसको रिमूव करने के लिए मैं ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ, ऐसा ट्रीटमेंट लेकर आई हूँ जो आप इजीली अपने घर पर यूज़ कर सकते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। दोस्तों, आजकल बहुत देखने को मिलता है कि लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हमारे स्किन बहुत ज़्यादा डर्टी है, क्लीन नहीं है, हमारे ब्लैक हेड्स हो रहे हैं, हमारी नोज़ पर ब्लैक हेड्स हैं, या किसी की चिन पर हो जाते हैं, या किसी के हेड पर हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको टाइम नहीं मिलता स्क्रब करने का भी, इस वजह से भी ब्लैक हेड्स हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इजी रेमेडी बताऊंगी जो आप घर पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको पार्लर वगैरह भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए हमें सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट्स लेना है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये है फेविकॉल। दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि फेविकॉल का यूज़ हम ड्राइंग करने में या फिर स्टिक करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं कोई प्रोजेक्ट बनाने में, तो ये आपने वहीं देखा होगा, जो इजीली मिल भी जाता है और इतना महंगा भी नहीं होता, ये बहुत सस्ता होता है। तो आप इसका ज़रूर यूज़ करिए, मैं आपको इसका यूज़ करने का तरीका बताती हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे अगर हमारी नोज़ पर ब्लैक हेड्स हैं तो हम क्या करेंगे, मैं आपको अपने हैंड पर कर दिखा रही हूँ, आपको अपनी नोज़ पर अप्लाई करना है। देखिए, ये इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको एक थिन लेयर लेनी है अपनी नोज़ पर, या आपके हेड पर हैं या आपकी चिन पर हैं ब्लैक हेड्स तो आपको वहाँ ही अप्लाई करना है। और इस तरह, ये देखिए, क्यू टिप्स की हेल्प से आप इसे इस तरह से अच्छे से फैला लीजिए। फ्रेंड्स, पील ऑफ का यूज़ जो लोग करते हैं वो कर नहीं पाते हैं, उन्हें प्रॉब्लम होती है कुछ लोगों को कि उससे इरिटेशन हो रही है या जलन हो रही है या रैशेज हो गए हैं या स्किन रेड भी हो जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो आप इसका यूज़ करिए, आपको पेन नहीं होगा। आपने देखा ही होगा कि हम फेविकॉल का अगर स्टिक कर रहे हैं फेविकॉल से तो फिंगर पर लग ही जाता है, तो उससे अगर हम हटाते हैं तो उससे पेन नहीं होता है और कोई इसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं ईजीली। तो देखिए, ये मैंने इस तरह से लगा लिया है अपने हेड पर, आप अपनी नोज़ पर या जहाँ भी आपके ब्लैक हेड्स हो रहे हैं तो आप इसे वहाँ लगा सकते हैं और इसे आप 5 मिनट्स तक इसी तरह रहने दें जब तक कि ये सूख ना जाए। तो ये जब तक सूख जाएगा, ओनली 5 मिनट्स में ये सूख जाएगा, तो इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं हमारा लगेगा। देखिए, ये मैंने लगाया था, ये सूख गया है। देखिए, ये इस तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा सूखने के बाद, तो हम इसे धीरे धीरे उतारेंगे। देखिए, इस तरह से उतर जाएगा मास्क। ये मैंने अपने हैंड पर कर दिखाया है, आपके जहां भी ब्लैक हेड्स हो आप वहां इसे जरूर अप्लाई करें। और देखिए, ये मैंने उतारा है इस तरह से, आपके नोज से ब्लैक हेड्स हट जाएंगे, एक भी ब्लैक हेड्स नहीं रहेगा, एक बारी में ही आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो आप इसे जरूर अपनाइएगा। हम देखिए, मेरे ये स्किन इस तरह से क्लीन हो गई है, देखिए ये स्मूथ और सॉफ्ट भी हो गई है बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट हो गई है, तो आप इसका ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका। हम अगर हम जेलेटिन वो लगाते हैं मास्क या चारकोल मास्क लगाते हैं या पील ऑफ मास्क लगाते हैं तो वो ज़्यादा पेनफुल होता है,
आप इसे लगाइएगा, ये बहुत कम पेन देता है, बहुत कम पेन होगा इसे लगाकर, और ये जल्दी भी उतर जाएगा और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा और ये सस्ता भी बहुत है। तो आप इसे फेविकॉल को ज़रूर यूज़ करिएगा, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, और जिनके भी ब्लैक हेड्स हैं आपके फ्रेंड्स के, तो प्लीज़ उन्हें शेयर ज़रूर करिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।